हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हलदर जी। हलदर जी, आप स्पॉट विजिट करने आए थे, जिस वैश्याने तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, आपने पुलिस से जानकारी मांगी यहीं स्पॉट पर, क्या जानकारी मिली आपको? उनको जो रूटीन जो जानकारी करना चाहिए, किसी जगह में हम लोग जब स्पॉट विजिट में जाता है तो उसी जगह में जो घटना कैसे हो गया है, लाश कैसे मिला है, मिलने के बाद आपको क्या क्या चीज देखा है, आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए क्या क्या चीज कलेक्ट किया है, अभी पोस्टमार्टम का क्या हाल है, आईओ कौन है, ये सब रूटीन हम लोग किया है। क्या बताया पुलिस? अभी पुलिस जो बताया, पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई जिस टाइम में होना चाहिए वो तो किया है, अभी ठीक ठाक ही लगा है, हम जाके बात करेंगे। अच्छा, जो मोहल्ले के अंदर ये घटना हो गई थी, सारे लोग जो है वो मोहल्ले में मौजूद थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, क्या ये समाज के बारे में? वही आश्चर्य हो गया जाए, कैसे इस घटना, इधर में इतना लोग है, एक घटना हो रहा है, इसमें इस टाइप के टॉर्चर करके उनको मर्डर कर रहा है और कोई लोग प्रोटेस्ट नहीं किए, तो समाज में कैसे क्या बढ़ता जाएगा। मैं इधर का लोगों को भी आश्चर्य हो गया, कैसे हो गया, मैं पूरा जानकारी होने के बाद बता। उसने हाथ में कलावा पहना हुआ था और गले में रुद्राक्ष मांगी बांधी हुई थी, तो क्या इस एंगल से भी जांच हो? ये विषय पर परिवार से बात करने के बाद ही किस एंगल से इसको मर्डर होकर गया है, विषय पर हम बार मांग कर रहा है, फांसी की मांग कर रहा है, कह रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाना चाहिए और फांसी। देखिए, इस विषय पर आपको निश्चित आश्वस्त करने चाहता है आप लोगों के माध्यम से, इधर का जितना लोग है, जब कमीशन नेशनल कमीशन पहुंच गए, इसका पूरा से पूरा कार्रवाई होगा, हर चीज हर एंगल से इसका विचार होगा और इसके परिवार को पूरा के पूरा न्याय मिलाएंगे, काम करेंगे हम। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये है अरुण हलदर जो कि वाइस चेयरमैन है अनुसूचित जाति आयोग के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फैमिली से बात की जाएगी और फैमिली की जो भी मांगे हैं उसको सुना जाएगा और उस पर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अमल में भी लाया जाएगा। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज दिल्ली।